नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं NBC 24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना चौथा बजट पेश किया। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई। निर्मला सीतारमण के बजट पेश करते ही देश में अब कुछ चीजें महंगे हुई हैं तो कुछ चीजों की कीमतों में कमी आएगी, तो देर कैसी। आइए आपको बताते हैं कि आज पेश किए गए आम बजट के बाद आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए बजट में उन्होंने तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत तमाम शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की बात कही है। इन घोषणाओं के चलते अब देश में कौन सी चीजें महंगी मिलेंगी और किन चीजों के दामों में कटौती आएगी, वो सुनिए। सबसे पहले जानते हैं बजट के बाद अब क्या क्या सस्ता होगा। तो इसमें चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। साथ ही विदेशी से आने वाली मशीनें भी सस्ती होंगी। जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही राज्य कर्मचारियों के लिए NPS में छूट केंद्र के बराबर दी गई है। कट और पॉलिश डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैट की दर घटाकर 15% की गई है। कोऑपरेटिव सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। MSME को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफार्मर आदि पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। अब सुनिए क्या क्या हुआ महंगा। कैपिटल गुड्स पर छूट खत्म की गई है, यानी कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। विदेशी छाता भी अब महंगा होगा। इसके अलावा इस साल अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है ताकि इसके आयात को कम किया जा सके। कम कीमत वाले नकली आभूषणों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए इस तरह से सीमा शुल्क निर्धारित किया जा रहा है कि इसके आयात पर कम से कम 400 रुपए प्रति किलोग्राम शुल्क का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। सरकार ने वर्चुअल करेंसी से कमाई पर बड़ा टैक्स लगाने का ऐलान किया है, यानी क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा और इससे कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। फिलहाल तो आज पेश हुए इस आम बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बजट आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा या फिर इस बजट से भी आपको निराशा ही आंत लगी? जरूर शेयर करिएगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही अपने आसपास की ऐसी ही छोटी और बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए NBC 24।